अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सिंघाड़े का सीजन आ गया है, तो क्यों ना सिंघाड़े की सब्जी बना ली जाए। तो आज मैं आपके साथ सिंघाड़े की एकदम चटपटी और टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान रेसिपी है और बनती बहुत ज्यादा टेस्टी है। सिंघाड़ा बहुत हाई ऑन फाइबर होता है, तो हाई ऑन फाइबर होने की वजह से ये आपको बहुत देर तक फुल फील कराता है। इसका कैलोरी कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये बनती है परफेक्ट वेट लॉस सब्जी। तो देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। सिंघाड़े की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया आधा किलो सिंघाड़ा और इसको अच्छे से वॉश कर डाला है। जब लीजिएगा तो इसको पहले भी बगैर छीले भी इसको अच्छे से धो लीजिएगा और छीलने के बाद भी इसको अच्छे से धो लीजिएगा। ये पानी में पानी जाने वाला फल होता है, इसको हम सिंघाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसको वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। और चूंकि ये एक फल है तो इसको हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं, बॉयल करके, छील के, फ्राई करके तेल में या घी में। तो वैसे भी हम इसको चटनी से भी खा सकते हैं। तो आइए अब इसको हम देख लेते हैं कि छीला कैसे जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी छील सकते हैं। इसके छीलने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं तो साइड साइड का कांटा पहले काटना होता है नाइफ की मदद से। इस तरह से नाइफ से काट भी लीजिएगा और इस तरह से अंगूठे की मदद से ये निकाल भी लीजिएगा छिलका। एक तो तरीका ये हो गया है और एक तरीका ये हुआ कि बीच से डिवाइड कर लीजिएगा, ये कर लिया और इसके बाद ये आराम से छिलका निकल जाता है। तो ये मैंने छील के रख लिया था, अच्छे से वॉश कर डाला है। छीलने के बाद ही मैंने इसको धोया है अच्छे से। ये आधा कप है मटर, चूंकि मटर का सीजन है तो मटर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अच्छी भी लगती है। अब इधर आइए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इधर मसाले तैयार करने के लिए एक बोल ले लेंगे और बोल में डालेंगे इस तरह से मसाले, कुछ स्पाइसी मसाले इस तरह से हैं। ये हाफ टी स्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून है भुना जीरा पाउडर और ये 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, हसब जायका। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। मसालों को बोल में ट्रांसफर कर देंगे। और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको भी ज़रूर डालिएगा, इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। और इसमें डाल लेंगे पानी। मसालों को इस तरह कर लेने से मसाले ताज़े हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मिक्स करके इसको एक साइड में रख देंगे। अब इधर एक पैन ले लेंगे हम और इसमें डालेंगे ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। इसको थोड़ा सा क्रकल होने देंगे। तो ज़ीरा क्रकल हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे सिंघाड़े। सिंघाड़े हमने ऐड कर दिए हैं और इसको अब फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसमें गुलाबीपन आ जाए। सिंघाड़े फ्राई करने से क्या होता है कि जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत, फ्राई करने से खुशबू और बढ़ जाती है। इस तरह से फ्राई कर लेंगे तो सौंधापन आ जाएगा सब्जी जब बनाएंगे हम सिंघाड़े की। अब इधर मैंने ले लिया प्रेशर कुकर और कुकर में डाल दिया है मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हम ये 3 इलायची, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये 2 से 3 तेज़पत्ते, मैंने उनको काट लिया है बीच से। और ये 1/4 टीस्पून है हींग, हींग ज़रूर ऐड करिएगा। ये थोड़ा सा क्रकल होने देंगे हम ताकि खुशबू रिलीज हो जाए। और मीडियम साइज़ का ये तो प्याज था, मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के पेस्ट बना लिया है, ये इसी में हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून है अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून है लहसुन का पेस्ट और इसको भून लेंगे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था, ये मसाला हम इसी में ऐड कर देंगे। लहसुन, प्याज, अदरक और ये मसाले, अब सारी चीज़ों को हम भूनेंगे अच्छे से। जब तक तेल सरफेस पे आ नहीं जाता तब तक हम भून लेंगे। तेल सरफेस पे आ गया है। और ये है टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, मैंने मिक्सी जार में डाल के पेस्ट बनाया है और इसको भी हम शामिल करेंगे इन्हीं मसालों के साथ। और इसको भी अब हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक तेल सरफेस पे आ नहीं जाता है। इसमें ऊपर से रख देंगे ढक्कन ताकि अच्छे से पक भी जाए और भून भी जाए। तो इसका ढक्कन हटा लेते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भूना है। ये देखिए भून भी गया है, तेल भी सरफेस पे आ गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे सिंघाड़े
और इसी में शामिल कर देंगे, ये मैंने आधा कप ली थी मटर, ये मटर भी इसी में शामिल करेंगे और अच्छे से इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे मसालों के साथ सिंघाड़ों की। और इसमें फिर से हम ढक्कन लगा देंगे ऊपर से और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। तो इसका ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए इसकी भुनाई जल्दी हो जाए और अच्छे से हो सके इसलिए मैंने इसमें ऊपर से लेट रख दिया था। और 2 से 3 मिनट हो गया है, देखिए अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, खूब अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है, सोंधी सोंधी सी। जितनी अच्छी भुनाई होती है उतनी अच्छी खुशबू आती है, उतना ही अच्छा रेसिपी का जायका खुल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर नहीं बनाया हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे तरीके से। तो अब टाइम आ गया है, इसमें हम पानी डालेंगे, हम पानी डालेंगे इसमें 1 कप। अगर आपको बहुत पतला ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 2 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सब्जी गाढ़ी साइड पे अच्छी लगती है खाने में और जायकेदार लगती है, तो आप इसमें 1 ही कप डालिएगा पानी, क्योंकि ये पूड़ी पराठे से सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इस पॉइंट पे आप नमक ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अब इसमें लगा देंगे हम लीड, और जब भी पानी डालिएगा तो खौलता हुआ पानी, उबलता हुआ डालिएगा, कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा क्योंकि जायका ख़राब हो जाता है सब्जी का। तो इसमें लगा देंगे हम लीड, हाई फ्लेम पे 1 प्रेशर आने देंगे, उसके बाद लो टू मीडियम पे कर देंगे और 2 से 3 वेसल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। तो 3 वेसल आने के बाद प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने दिया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब लीड को हटा लेते हैं। लीड को हटाते ही साथ कितनी प्यारी खुशबू आई है, कितना अच्छा कलर आया है, टेक्सचर देख लीजिए, कंसिस्टेंसी इसकी कितनी बेहतरीन आई है। अगर आपने सिंघाड़े की सब्ज़ी नहीं बनाई है तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। इन ठंडियों में सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी सिंघाड़े और मटर की सब्ज़ी बहुत बेहतरीन लाजवाब बनेगी। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे यहाँ 1 टीस्पून ये है गरम मसाला पाउडर और ये कटा हरा धनिया, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत अच्छे से गल गया है, ये देखिए सिंघाड़ा गल गया है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये विंटर स्पेशल रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।